नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। हमारा नाम है मोहसिन कुशवाहा। हम हाजिर हैं आज की खबरों का खास शो, आज का यूपी लेकर। आज की खबरों में बात होगी कि कैसे मंत्री के सामने नंबर बढ़वाने के चक्कर में आपस में धकिया बैठे भाजपा नेता, तो वहीं सपा के किस सांसद ने अखिलेश यादव को पीएम पद के लिए बता दिया प्रीमैच्योर। इसके साथ ही भाजपा की तिरंगा रैली में कैसे बुलेट संभाल नहीं पाए कैबिनेट मंत्री, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भारतीय किसान यूनियन के कौन से नेता ने श्रीकांत त्यागी पर हो रही कार्रवाई को बताया गलत। शुरू करते हैं आजमगढ़ के उस वीडियो से जहां भाजपा के स्थानीय नेता लोग मंत्री जी के सामने अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में आपस में ही धक्का मुक्की कर बैठे। दरअसल मामला है आजमगढ़ का, जहां तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां पर कार्यालय से बाहर निकलते समय मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई, लेकिन आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह किसी को उनके सामने नहीं आने दे रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिवाकर सिंह को धक्का मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया। वहीं इस मुद्दे पर जब हमने दिवाकर सिंह से बात की तो उनका कहना है कि वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने इस बात की शिकायत की है और वे इस घटना के बाद से आहत हैं। मैं देख नहीं पाया कि कौन धक्का दे रहा है, आपके वीडियो से देख रहा हूं कि अध्यक्ष जी धक्का दे रहे हैं। मैं तो आपसे आप लोगों से बातचीत कर रहा था, राजनीतिक माननीय जी निकल रहे थे, मैं भी स्वागत के लिए खड़ा था, जितने कार्यकर्ता भाई लोग खड़े थे उसके साथ मैं भी खड़ा था। इसको किस रूप में आप लेते हैं, अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अगर इस तरीके से आप भी एक पद पे हैं, अगर ऐसा हो रहा तो फिर किस रूप में लेते हैं? अब ये पार्टी फोरम पे मैंने रख दिया है, इसको पार्टी के वरिष्ठ नेता संज्ञान में लिए हैं, जैसा उनका निर्देश होगा। भाई मुझे कोई इस तरह का व्यक्तिगत रूप से आहत तो हूँ ही, मेरे जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हुई नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वहीं अगली खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, जहां पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अखिलेश यादव को ही प्रीमैच्योर बता दिया। दरअसल एसटी हसन से जब सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव पीएम पद के उम्मीदवार हैं, तो सपा सांसद महोदय बोल बैठे कि अभी प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत प्रीमैच्योर हैं, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। देखिए ऐसा है, अभी पीएम पद के लिए बहुत प्रीमैच्योर है, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा, अगर हमारे एमपी की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से, वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं, बाकी वो उनकी इच्छा के ऊपर है। तो ये तो अभी चुनाव के बाद डिसाइड होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो विपक्ष के सारे बड़े नेता मिलके तय करेंगे। इसी के साथ अगली खबर भी आजमगढ़ में तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां भाजपा के मंत्री यूपी के तमाम जिलों में बुलेट पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं आजमगढ़ में परिवहन मंत्री बुलेट की सवारी ही नहीं संभाल पाए। भीड़ होने के कारण दयाशंकर सिंह को बुलेट चलाने में दिक्कत दिखी, जिसके बाद वे हेलमेट लगाकर बुलेट के पीछे ही बैठकर यात्रा में सम्मिलित हुए। अब अगली खबर श्रीकांत त्यागी मामले से जुड़ी हुई है, जहां श्रीकांत त्यागी के मामले में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कह दिया है कि श्रीकांत त्यागी को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, त्यागी समाज को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत बड़ी बिरादरी है, संपन्न बिरादरी है, शिक्षित बिरादरी है, और उस तरह से उनकी पूरी बिरादरी की तोहिन करी जा तो ये अच्छी नहीं बात है। हम इसका विरोध करें, सरकार का इसके जो और इस तरह की जो है बयानबाजी सब वापसी में, तो जो 25,000 का इनाम भी बोल लिया, उन पर गैंगस्टर भी लगा, तो ये कुल मिलाकर ठीक नहीं, कोई सब अच्छी नहीं कहने। महिला की उन्होंने धक्का किया है, महिला का अपमान किया है त्यागी ने, कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल सब झूठी बात है, किसी को बदनाम करने के लिए भाई महिला का आरोप लगाओ, कोई ऐसी बात नहीं। फिलहाल श्रीकांत त्यागी के मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां कोई श्रीकांत त्यागी के पक्ष में खड़ा दिख रहा है तो वहीं कई नेता श्रीकांत से खुद को किनारे कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 14 दिन की पुलिस रिमांड के बाद श्रीकांत त्यागी मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक यूपी की तमाम खबरों के साथ नए नए अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।